आज की प्रश्नोत्तर है गलता लोहा कहानी से। इसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि धनराम लोहार जो है उसके दिमाग में गणित नहीं बैठता था। आपको मैंने पाठ में पढ़ाया भी था कि उसे गणित नहीं आता था और मास्टर जी उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते थे लेकिन उसे याद नहीं होता था। तब वह उसकी संटी से पिटाई किया करते थे। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का काम सिखाते थे। उसे लोहार का काम सिखाया जा रहा था और उसे लोहार के काम सिखाने के लिए सान चढ़ाना, धोपनी फूकना और हथौड़ा चलाना और घन चलाना सारे काम सिखाए जा रहे थे। वे गलती करने पर यहाँ धनराम को पिटाई किया करते थे। पिटाई भी छड़ी से होती थी या हत्थे से होती थी। इस प्रकार दो दो विद्याएं वह एक साथ सीख रहा था और पढ़ाई के साथ साथ लोहार का काम भी वह सीख रहा था। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। धनराम स्वयं को नीची जाति का समझता था, यानी कि वह खुद तो क्या है, लोहार है और मोहन क्या है, ब्राह्मण है, यानी कि वह उच्च जाति का है। ये बात धनराम के मन में थी, जाति पाति जो थी। दूसरा, मोहन कक्षा में उससे ज़्यादा होशियार था, इसलिए मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। किसको? मोहन को। तीसरे, मास्टर जी कहा करते थे कि वह एक दिन बड़ा होकर उनका और स्कूल का नाम रोशन करेगा। ये सारी बातें ऐसी थी जिनके कारण वह मोहन से कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं किया करता था। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। कहानी यदि आपने पूरी पढ़ी है या वीडियो भी देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब धनराम के पास जाता है मोहन पढ़ाई से आने के बाद, तो वह खेती करने के लिए हंसुआ लेकर के उसके पास जाता है। दोनों बचपन की बातें याद करते हैं। तो धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने पर आश्चर्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको निरभिमानी था, वो मोहन क्या था, निरभिमानी था। ज़्यादा आश्चर्य उसे ये हुआ कि मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र था और उसे ऊंची जाति का माना जाता था। कोई भी ब्राह्मण बालक लोहार जैसा काम इतनी आसानी से नहीं करेगा। कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति का करे इतनी आसानी से करेगा। तो धनराम को इसी बात पर आश्चर्य हुआ कि मोहन ने अपनी जाति को भुला करके यह काम कैसे करना स्वीकार कर लिया।